अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं। देख के साथ हूँ, आप देख रहे हैं वरदास किचन और मैं हूँ वरदा। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी डिशेस और फुल डे व्लॉग है। होप सो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। तो एक टिप भी देने लगी हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग का दूध फट जाए तो आप क्या करें। तो आए इस रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको सारी इन्ग्रीडियंट बताते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी आने वाली है। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को जल्दी से लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ इसके अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। अगर मैं कोई भी व्लॉग अपलोड करती हूँ तो उसकी सबसे पहले लेटेस्ट अपलोड वीडियो आपके पास जाए। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा दूध आ जाए और वो फट गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारा दूध फट गया था, हाफ फटा था, हाफ मैंने खुद फाड़ लिया। और फाड़ने के बाद इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया, बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे मैश कर रही हूँ, हथेली की मदद से मैं इसको स्प्रेड करी जा रही हूँ और इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो सारा निकाल देना है। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से मैं इसको कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ना तो मैं इसके बनाऊँगी रसगुल्ले। तो बहुत मज़े के, बहुत स्पंजी, बहुत अच्छे बनकर रेडी होती हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अगर आपका दूध फटता है ना तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर नहीं भी फटता तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। ऐसे में हाथ से मिक्स करते हुए, ये देख सकते हैं मैश करते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये देख लीजिए एक साथ इसको बहुत 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 अच्छे से आप लोगों ने इसको मसलना है ताकि इसके अंदर जो दाना होता है ना वो बिल्कुल भी ना रहे और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जब ये स्मूथ हो जाएगा उतने जितने अच्छे बॉल्स बनेंगे उतने ही अच्छे रसगुल्ले बनेंगे। और तो और एक टिप मैं आपको यहाँ पर ये भी देना चाहूँगी, मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं करा इसमें और ये खुद इतने डबल बनकर रेडी हुए हैं। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अब अच्छे से मैं इसको स्मूथ करके, अब आप लोग ये देख सकते हैं स्मूथ हो गई है। इसको मैंने लंबा सा ऐसे कर लिया और अब मैं इसमें शेप दे दूँगी कोई सी भी अच्छी सी रसगुल्लों के लिए। तो आप लोग चाहे लंबे वाले रसगुल्ले भी बना सकते हैं बट मोस्टली तो आप लोग को पता है गोल वाले रसगुल्ले होते हैं, बहुत मज़े करते हैं। तो मैं इसको वही वाली शेप दूँगी और कुछ नहीं। उससे पहले मैंने इसको 1 मिनट और अच्छे से मसल लिया ताकि ये और अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। अब इसको क्रैक फ्री, यानी कि बिल्कुल भी क्रैक ना आए वैसा आपने एक बॉल बना लेना है रसगुल्लों का। और ये देख सकते हैं मेरे 8 बॉल बनकर रेडी हुए हैं। और ये 1 लीटर दूध था, ज़्यादा नहीं था। साथ मैंने दूसरी साइड पर चाशनी बनाने के लिए रख दी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने पानी में चीनी डाली, 1/4 कप चीनी है, 1 कप पानी है, साथ 3 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं। और जब इसमें बॉयल आने लग गए, यानी कि 3-4 बॉयल आ गए ना, तो मैंने इसमें रसगुल्ले ऐड कर दिए थे। और रसगुल्लों को मैंने ऐड करने के बाद ढक दिया था और मैंने इसको ढक करके 15 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको कुक करा है। तो आप लोग ये देखिएगा कितने बड़े बड़े इनके कितने स्पॉन्जी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें ऐसे ही मैंने बिल्कुल सॉस पैन को हिला दिया चम्मच। अभी आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना डो तो आप चम्मच मत लगाइएगा, लेकिन ये नॉर्मल थी तो मैंने फिर भी नहीं लगाई। लेकिन तो चाशनी का मैंने आप लोग को आगे पीछे हो गया तरीका तो बता दूँ, चीनी 1/4 कप, 3 चम्मच इलायची, 3 इलायची और 1 कप पानी। अब क्योंकि मैंने बॉल डाल दिए थे और ढक दिया था तो आफ्टर 15 मिनट्स OMG बहुत मज़े के बनकर ये रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी जब मैंने इसको खोला, इतने ज़्यादा डबल हो चुके थे। तो इतने ज़्यादा ही डबल होते हैं और जब आप लोग देखते हैं ना इसमें इतने ज़्यादा डबल हो गए तो इसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो बहुत ही यम्मी से बनकर ये रेडी हो गए थे। इसको ठंडा करें और फिर आप लोग इसको इंजॉय करें। और इसके अंदर इतना ज़्यादा ये जूसी था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस था और बहुत मज़े का बनकर रेडी हुए थे। और आगे की वीडियो क्योंकि मैं अपलोड इनके शूट नहीं कर सकी तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। दूसरी साइड पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये मामा ने एक कढ़ी बनाई हुई थी और आप लोग को लग रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा कढ़ी है क्वान्टिटी में, क्योंकि मेरी फूफा आई हुई थी तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा कढ़ी बनाई है। तो आप लोग ये देख सकते हैं
बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को कढ़ी पसंद है और कौन कौन फेवरेट बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर करी, मेरी मामा बहुत मज़े की कढ़ी बनाती हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं मामा से ही कहूँगी कि वो बनाएं कढ़ी और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। उस दिन के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं कर रहा था और अब नेक्स्ट डे हो गया है। मुझे कॉलेज में थोड़ा सा कोई काम था जिसकी वजह से मैं अपने कॉलेज गई हुई थी और सुबह का वेदर इतना ज़बरदस्त हो रहा था। आप लोग ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड एरिया है मेरे कॉलेज का और इधर इतना अच्छा वेदर हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की सिटी कौन सी है और वहाँ पर कैसा वेदर हो रहा है। लाहौर का वेदर तो बहुत अच्छा हुआ हुआ है। तो बस जस्ट मैंने इतना सा ही क्लिप बनाया था, ज़्यादा नहीं मैंने शूट करा था। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पैटीज़। तो पैटीज़ के लिए मैंने सबसे पहले डो बनाने के प्रिपरेशन करने लगी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया था मैदा। मैदा यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैदा था। वैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन था इतना ही। साथ मैंने एक मग में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जैसे पानी होता है वैसे पानी ले लिया है। उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करी है और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। तो अब ये मिक्सचर में डाल के एक बहुत स्मूथ सा डो बनाऊंगी। तो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ इसकी मिक्सचर। कोई भी इसकी डो में कोई भी इतनी टेंशन नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी, आपको समझ आएगी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी इसमें कोई नहीं कि पहले ये चीज़ डालें पहले ये चीज़, सिंपल इसको क्रीम कर लिया और इसकी डो बहुत अच्छी से बनकर रेडी हुई थी। तो मैं इसको अच्छे से मसल मसल के इसकी डो गूंदूंगी और इसकी डो बिल्कुल भी हमने सॉफ्ट या फिर हार्ड नहीं गूंदनी। नॉर्मल जितना घर के लिए हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसका आटा गूंद देना है, सेम वैसे। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसको आफ्टर 13 मिनट्स रेस्ट दिया और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया। तो ये देख सकते हैं डो बिल्कुल सेट हो गई है और मैंने अपने काउंटर पे डस्ट कर लिया था मैदा। और अब बिल्कुल मैं इसके ऊपर रख कर अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। मैंने इसमें डाला है बटर और ये होममेड बटर है जो कि मैंने खुद बना कर रेडी करा था। और ये मैं इसके अंदर सेंटर में पीस रख दूँगी। आप लोग ग्रामिंग के हिसाब से भी आप लोग ग्राम कर सकते हैं, यानी कि अगर 100 ग्राम यानी कि आप लोग लेते हैं 400 ग्राम मैदा तो फिर आप इसमें 250 ग्राम बटर ऐड करिएगा। इसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अहमियत रखती है। अगर आप लोगों की क्वांटिटी सही नहीं होगी तो लेयर्स अच्छे नहीं बनेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से मैंने वो कर लिया, बंद कर लिया और फिर मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर और स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा मैदा और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बेलूँगी। इसको इतने आराम से बेलिएगा और कोशिश करिएगा जो आपने इसमें बटर या फिर मार्जरीन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकल गया तो आप लोग की लेयर्स अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देख सकते हैं मैं ऐसे इसको टैप करते करते मैंने इसको कर लेना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको टैप करते करते मैंने ऐसे बड़ा कर लेना, बहुत अच्छे से बेल देना, बड़ा सारा बेल देना और उसके बाद फिर मैंने इसको फोल्ड करी जाना है और इसको दोबारा से यही रिपीट प्रोसेस करना। जितना फोल्डिंग अच्छी होगी और आप लोग करेंगे उतने ही अच्छे आपकी पैटीज बनेंगे, लेयर्स पैटीज के बहुत अच्छे से बनेंगे। और ये स्टेप्स मस्ट 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 आपने करनी है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसको भी हल्का हल्का हाथ से हमने बिल्कुल ऐसे ऐसे करते जाना है और मिक्स करते जाना है। अब फिर इसको फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे ही टैप टैप करते हुए बेलते जाएंगे और इसको बड़ा सारा बना लेंगे। और इसको मैं ऐसे करने के बाद आफ्टर 13 मिनट्स के लिए मैं इसको स्टे दूंगी। तो एक दफ़ा मैं ऐसे कर लूँ इसके लिए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर एक फोल्ड करेंगे और फिर दुकान से थोड़ा सा टैप करेंगे और इसको 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 13 मिनट्स फिर से आ गया और ये आप लोग देख सकते हैं कि डो कितनी परफेक्टली वो हो रही है, सही तरह से राइज होना स्टार्ट हो गई है। तो बस ऐसे ही प्रोसेस करेंगे दोबारा, जैसे मैंने पहले प्रोसेस करा था वैसे ही दोबारा इसको सेम इसी पैटर्न से करते जाएंगे। पहले काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और फिर ये मिक्सचर डाल के दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे।
और दोबारा से यही प्रोसेस करने के बाद आफ्टर फिर 13 मिनट्स का आप स्ट्रे दे दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी राइस हुई है। मैंने छोटा सा क्यूब्स रखा था और ये कितना बड़ा होकर रेडी हो गया ना, बहुत अच्छी डो बन कर रेडी हुई है। डो को चेक करने का यही सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है कैसे हुआ, तो पहले इसको इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस कर देंगे रिपीट। यहाँ पर प्रोसेस रिपीट हो रहा है, साथ ही हम बना लेते हैं अपनी स्टफिंग। तो मैं इसमें पोटैटो और चीज़ की स्टफिंग करने वाली हूँ। तो मैंने पोटैटो को फुल अच्छे से मैश कर लिया है, उसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, साथ ही इसके जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून। ज़्यादा नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है, नहीं तो अगर ज़्यादा हो तो आप लोग और भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करा है, आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम है तो। साथ में क्रश चिली इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून और अच्छे से मैंने इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। और मैंने ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करे हैं, ओरिगैनो ऐड कर दिया था बस। अब मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्रीम चीज़ है, ये 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर दी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप प्लेन क्रीम या फिर मेयोनीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। साथ मैंने मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके रख ली है, ये मैंने ली है 200 ग्राम मेरे पास मोज़रेला चीज़ है ग्रेट हुई हुई, और मिक्सचर भी रेडी है। और आगे का पैटर्न मैं आपको बताती जाती हूँ। अब मैं पहले स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं एक गिलास लिया, आप लोग कोई भी कटर बड़ा सारा ले सकते हैं बट मेरे पास कटर नहीं था तो इसीलिए मैंने ग्लास ले लिया। और ग्लास लेके मैंने फिर इसको ऐसे कट करा है और फिर मैं हाथ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लूँगी, यानी कि थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और फिर इसमें पोटैटो की स्टफिंग ऐड कर देंगे। पोटैटो की स्टफिंग ऐड करने के बाद मैं इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी और बाकी मैंने मिक्सचर रख दिया। तो ये देखिए, चीज़ से पहले जो इसके ऊपर आएगी लेयर जिससे इसको बंद करेंगे, वो मैंने लिया एक फ्लावर कटर, ये मेरे पास कुकी कटर था तो मैंने इससे इसको लिया है। और इसको स्प्रेड करते हुए पहले मैं चीज़ डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी ये, और फिर मैं इसकी एजिस से सारा बंद कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे इसमें रख दिए हैं। और अंडे से अब मैं इसको ब्रश कर लूँगी, अंडा लिया मैंने 1 अदद और उसको अच्छे से मैंने ब्रश कर दिया, और मैंने इस पर कुछ भी ऐड नहीं करा, इनके ना मैंने इसमें तेल ना कलौंजी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा, प्लेन यही ऐड करा। और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी और पतीला में प्री हीट होने के लिए, और मैंने इसे 30 से 35 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए, प्री हीट मैंने 10 मिनट पहले रखा था, 30 से 35 मिनट मैंने इसको बेक होने रख दिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी पैटीज बनकर रेडी हो गई हैं, आप लोग ये देख सकते हैं ये पैटीज कितने मज़े के बनकर रेडी हुए हैं। और आपको क्रैक्स भी नज़र आ रहे होंगे, जो क्रिस्पी क्रिस्पी क्रैक्स हैं वो भी बहुत अच्छे बनकर, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए, और एक हाथ में मेरे कैमरे हैं इस वजह से मैं आप लोग को अच्छे से वहाँ खोल के नहीं दिखा सकती। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना क्रिस्पी और कितने अच्छे से कलर आया है इसके ऊपर, और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी को मस्ट मस्ट ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो ये था बहुत ही ज़बरदस्त पैटीज़, तो होप सो आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हुआ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मैंने ये केक बनाया है, बहुत मज़े का है, चॉकलेट वेफर और यो केक है। ये मेरी फ्रेंड आई थी तो उसने कहा था मैंने केक खाया, तो मैंने उसके लिए केक बनाया था। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।